अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट दी, कुछ नेट में पढ़ी थी अबाउट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है और रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी हमारे पास जो दो नर्वस कंट्रोल हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दो जो सिस्टम हैं वो हम लोगों ने जैसे हार्ट में पढ़े थे या बाकियों में पढ़े थे, सिंपथेटिक सिस्टम होता है, और एक जो है वो हमारे पास पैरा सिंपथेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब जो हमारे पास सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आता है वो जो है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे मेनली हमारे ब्रोंकियोल्स की डायलेशन करवाता है। और हम लोगों ने इसमें इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि सिंपथेटिक जो डायलेशन है वो ब्रोंकियोल्स की कैसे होती है। हम लोगों की डायरेक्ट जो कंट्रोल है ब्रोंकियोल्स तक वो सिंपथेटिक नर्व नहीं पहुँच पाती, इसीलिए वो क्या करती है कि अपना जो वो जो अपना न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, नॉरएपिनेफ्राइन और निफ्राइन, इपिनेफ्राइन, ये जो है वो ब्लड में रिलीज कर देते हैं, और ब्लड जब है वो जाता है हमारे ब्रोंकियोल्स तक, तो वहां जाकर वो जो है वेजो डायलेशन करवाती हैं। इसके जरिए वो वहां पर जाके वेजो डायलेशन करवाते हैं, जो कि कहां पर अटैच होते हैं वेजो डायलेटर्स, वो जाके अटैच होते हैं हमारे बीटा एडरनेजिक रिसेप्टर्स पर, जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्री की डायलेशन करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरासिम्पथेटिक कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। हमारा जो पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल है वो ब्रोंकियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे करवाता है कि जो हमारी फ्यू पैरासिम्पथेटिक नर्व हैं वो ड्राइव फ्रॉम दी वेगस नर्व पेनिट्रेट दी लंग पेरेन्काइमा, और वो जो नर्व हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, हमारे एसिटाइल कोलाइन सिक्रेट करती हैं, जो कि क्या करता है हमारी मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स करवा देता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसी डिजीज़ है जैसे अस्थमा, उसमें पहले ही बंदे के यार ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, और ऊपर से और पैरासिम्पथेटिक जब स्टिमुलेशन हो जाती है तो और ज़्यादा हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, तो फिर तो वो बंदे की जान ही लेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि तब कुछ ड्रग्स बनाई जाती हैं जो कि ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन कर देती हैं। तो वो कौन सी ड्रग है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है एट्रोपाइन एक हमारे पास ड्रग होती है जो कि रिलैक्स करती है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को, कि हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या जो मसला हो गया अस्थमा वगैरह में वो हमारा सही हो जाए। उसके बाद यही बताया हुआ है मेनली कि हमारे पास जो इसकी इरिटेशन होती किस वजह से है, डस्ट से होती है और नॉक्सियस गैसेस से होती है, सिगरेट स्मोकिंग से होती है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो गया तब हो जाएगी, तो इस वजह से जो है हमारी ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे पास लोकल कुछ जो है हम लोगों ने पढ़ा ये कॉन्स्ट्रिक्टर जो है पैरासिम्पथेटिक हैं, लेकिन कुछ जो कॉन्स्ट्रिक्टर है ना वो हमारे पास लोकल सिक्रेटरी फैक्टर भी हैं जो कि ब्रोंकियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि हमारे अगर ब्रोंकियोल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसकी वजह से जो मेनली जो ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो हम लोगों को पता है कि पोलन ग्रेन्स की वजह से होते हैं जो हमारे एयर में मेनली प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के जो मैस्ट सेल हैं एलर्जिक रिएक्शन के दौरान वो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन या स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस रिलीज करते हैं, जिनकी जो कि क्या काम करते हैं हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं उनकी वो करवा देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं द सेम इरिटेंट कैज पैरासिम्पथेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वही जो उधर हम लोगों ने यूज किया था वही यूज करेंगे, और हम लोगों के इधर भी वही जो है चीजें भी यूज हो सकती हैं, लाइक स्मोक, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सम ऑफ द एसिडिक एलिमेंट इन स्मोक, ये जो हमारे जो लंग टिश्यूज को इनिशिएट लोकल नॉन नर्वस रिएक्शन, मतलब ये जो हमारे लोकल सिक्रेटरी फैक्टर है इनको इन्हेंस करते हैं और हमारे जो ब्रोंकियल ट्री की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। जी ये था इस पैराग्राफ में का मतलब। उसके बाद हम लोग कहते हैं मेनली, मुझे नहीं लगता ये इतना ज़रूरी है क्योंकि ये नेट में बता रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पर, तो नेट में शायद ही आपसे कोई पूछे, ज़्यादातर आप लोगों से फिजियोलॉजी पर कॉन्सेंट्रेट करवाया जाता है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं म्यूकस लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड सीलिया एक्शन टू क्लियर द पैसेज वे, इधर जो है पूरी जगह पर यही बताया हुआ है कि जो हमारी पूरी रेस्पिरेटरी पैसेज है वो म्यूकस लाइनिंग से
म्यूकस जो है वो लाइन कर रहा होता है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को, जिसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं म्यूकस गुबलेट सेल और दूसरे होते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मेनली म्यूकोजा म्यूकस एक हमारे पास फ्लूड होता है उसको सिक्रेट कर रहे होते हैं। तो वो जो है वो हमारे उसको काम क्या करता है, हमारी एयर को एक तो मॉइस्ट करता है, और मॉइस्ट के साथ करने के साथ साथ जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करता है। जब वो ट्रैप कर लेता है तो यार वो तो वहां पर जमा करके रख लेगा, तो क्या होता है हमारे पास जो मेनली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, तो उसके ऊपर हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एक सेल के ऊपर अबाउट 200 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि पावर स्ट्रोक दिखाते हैं अपवर्ड। वो जब हम लोगों के, अब देखिए ये सीलिया हैं, ये हमारे यहाँ पर जो है, जैसे ये हमारा ट्रेकिया है तो यहाँ पर सीलिया लगे हुए होंगे, तो जो यहाँ पर म्यूकस होगा, जो जब ये म्यूकस ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स को, तो ये जो है सीलिया ये पावर स्ट्रोक दिखाएंगे अबव दिखाएंगे, तो इसकी वजह से जो म्यूकस है विद द डस्ट पार्टिकल वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा। और हम लोगों को पता है एट द लेवल ऑफ ट्रेकिया की शुरुआत पर जो ना हमारी एक एसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं वो भी गुजर रहा होता है, तो ये जो ट्रेकिया है वो उसके वो जो है ना वहाँ पर आके एट द लेवल ऑफ फेरेंक्स ये ना हमारे एसोफेगस में भेज देगा हमारे डस्ट पार्टिकल्स को, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो तो अच्छे से डील कर लेगा, क्योंकि उसमें HCL प्रोड्यूस हो रहा होता है और भी लाइसोजेनिक एंजाइम्स होती हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं जो कि पावर स्ट्रोक दिखाते हैं अबाउट ऑलवेज टुवार्ड दी फेरेंक्स। उसके बाद हम लोग कहते हैं और या फिर हम लोग उसको ना दो तरीकों से हम लोग उसको गेट रिड कर सकते हैं फ्रॉम दी इंट्रैप्ड पार्टिकल, या तो हम लोग उनको स्वेल आउट कर लें बाय दी एसोफेगस, या फिर हम लोगों को जब हम लोगों के फेरेंक्स में वो आता है तो हम लोगों को इरिटेशन महसूस होती है और हम लोग कफ करते हैं, मतलब खांसी करते हैं, तो वो जो है बाहर धकेल दी जाती है। उसके बाद हम लोग मेनली पढ़ेंगे कफ रिफ्लेक्स क्या है। अब कफ रिफ्लेक्स मेनली वो है जब हम लोगों के ना ट्रेकिया में या फिर मतलब लोअर जो हमारा मतलब ट्रेकिया से लेकर हमारा जो ब्रोंकाई है ब्रोंकियोल्स है यहाँ पर एट दी लेवल ऑफ मेनली हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई के लेवल तक भी जो इरिटेशन हो बाय एनी केमिकल या सल्फर डाइऑक्साइड या किसी भी वजह से या सेंसिटिव टू लाइट टच भी अगर हमारे ट्रैकिया को या ब्रोंकियल्स को हो जाता है फॉरेन पार्टिकल्स का या फॉरेन मैटर्स का, तो हमारे पास जो कफ रिफ्लेक्स होता है ड्यू टू दी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोगों के हाँ मतलब लोअर ये मेनली एक तो चीज याद रखें लोअर में होगा मतलब ट्रैकिया से नीचे यहाँ हमारे पास जो लेरेंक्स है वहां से स्टार्ट होगा मेनली। उसके बाद हम लोग कहते हैं तो फौरन ये इरिटेशन होगी, इरिटेशन कैसे इरिटेशन की वजह से क्या होगा कि हमारी जो वेगस नर्व है वो जो है मैसेज लेके मेड्यूला तक जाएगी। मेड्यूला क्या करेगा फॉरन एक तो रैपिडली क्या करवाएगा हम लोगों को, जब भी हम लोग आप लोगों ने गौर किया होगा जब हम लोगों को जोर से खांसी आने होती है तो पहले हम लोग एकदम से सांस अंदर लेते हैं, ऐसे करके सांस अंदर लेते हैं लाइक हम लोग तब क्या करते हैं कि अप टू 2.5 लीटर ऑफ एयर जो है वो हम लोग रैपिडली इंस्पायर कर लेते हैं अंदर ले लेते हैं, ठीक हो गया जी लंग्स के अंदर चले जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो इपिग्लॉटिस है और वोकल कार्ड्स को हम लोग शट कर देते हैं, मतलब हमारा जो लंग्स हैं उनको पैक कर देते हैं टाइटली कि उसमें से कोई भी एयर हमारी बाहर एक्सपायर ना हो सके, मतलब जब हम लोग ऊपर से बंद कर देते हैं कोई रास्ता ही नहीं बचता एयर का बाहर निकलने का। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल और हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है वो हमारा इलिवेट करने लगता है और हमारे जो एब्डोमिनल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है या हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली करते हैं और हमारे जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि राइज होता था तो फॉरन एयर बाहर निकल जाती थी लेकिन अभी ऊपर से वो बंद है एपिग्लोटिस और वोकल कार्ड्स, तो हम लोगों को क्या होगा कि एयर सारी अंदर जमा हो जाएगी और प्रेशर इतनी ज्यादा जमा हो जाएगा कि अबाउट 100 mmHg और इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तब एकदम से मेड्यूला जो है वो हमारे वोकल कार्ड्स को खुलवाता है और एपिग्लोटिस को खुलवाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग विद हाई प्रेशर के साथ हमारा जो लंग्स में से एक्सप्लोड आउटवर्ड हमारी जो एयर है वो बाहर निकलती है बहुत प्रेशर के साथ और वो काफी दफा इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है जिसको हम अप्रोक्स कहते हैं कि 75 to 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी हम लोग काफी दफा कफ करते हैं, तो हमारे जो जब भी हम लोग मतलब कफ करते हैं तो वो एक्सप्लोड आउटवर्ड जो हमारी एयर करती है उसकी वजह से हम लोगों को कफ होती है, जो कि बहुत जोर से हमारे मुंह से मेनली सांस बाहर आती है, इसमें जो है वो हमारे मुंह से मेनली सांस बाहर आएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
हमारा स्नीजिंग रिफ्लेक्स ठीक हो गया, ये हमारा आ गया। उसके बाद पहले ये आ गया हमारे पास स्नीजिंग रिफ्लेक्स, और उसके बाद हम लोग कहते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स में मेनली क्या बताया हुआ है, बताया हुआ है कि ये मेनली हमारे पास कफ रिफ्लेक्स की तरह ही होते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने चार प्रोसेसेस पढ़े कि पहले हमारे जो हैं वो पैसे वो इपिग्लॉटिस, पहले हम लोग इनहेल करेंगे एयर को, फिर उसके बाद हमारे जो हैं वो पैसेज बंद होंगे इपिग्लॉटिस और हमारा जो लैरिंक्स है वो बंद होगा, और उसके बाद इपिग्लॉटिस और लैरिंक्स जो है वो बंद होगा, वोकल कॉर्ड्स बंद होंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या आता है, एक फ़र्क इसका ये है कि ये जो स्नीज रिफ्लेक्स है जिसे हम लोग छींक कहते हैं, ये मेनली प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे मेनली क्या आता है, नेजल पैसेज वे जिसमें हम लोगों के आ जाते हैं नॉस्टिल्स या हमारी नेजल कैविटी आ जाती है या फेरेंक्स वगैरह आ जाता है। ये जो हमारी चीज़ें हैं मेनली ये हमारे स्नीज रिफ्लेक्स, अगर इनमें कोई इरिटेशन होती है तो वो स्नीज रिफ्लेक्स करवाती हैं। और ये जो है जब इनमें इरिटेशन पैदा होती है तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व टू मेड्यूला की वजह से हमारे जो सिग्नल है वो मेड्यूला तक जाते हैं, और वो फिर हमारे पास वही जो प्रोसेसेस हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए वही होते हैं। लेकिन इसमें एक और होता है, आप लोग गौर करें कि जब भी हम लोगों को छींक आती है तो वो मेनली नाक से आती है, तो इसमें हमारा ओव्यूला जो है वो हमारा डिप्रेस्ड होता है, और इसीलिए हमारी जो रैपिडली एयर पास होती है वो थ्रू दी नोज पास होती है, और जो हमारा नेजल पैसेज में फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ होता है या जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही होती है वो वहां से क्लियर हो जाता है। और ठीक हो गया, ये हमारा था स्नीज रिफ्लेक्स। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज। नोज के मेनली क्या फंक्शन है, नोज के मेनली हमारे पास ये बहुत काम का है नोज। नोज एक तो हमारी एयर को वार्म करवाता है, और थ्री नॉर्मल फंक्शन करता है, एक हमारी एयर को वार्म करवाता है और वार्म भी इस हद तक करवा देता है कि मेनली 1 फॉरेनहाइट जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी ज़्यादा वार्म कर देता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारी एयर है वो ह्यूमिफाइड हो जाती है, मतलब उसमें वाटर वेपर्स ऐड हो जाते हैं, वाटर वेपर का प्रेशर ऐड हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन ये करता है वो क्या करता है, हमारी एयर को फिल्टर भी करता है, पार्शली फिल्टर करता है, इतनी हद तक फिल्टर करता है कि हमारे नोज की फिल्ट्रेशन जो है उसमें से हमारा आरबीसी भी नहीं गुजर पाता, जो कि हमारा कितना छोटा माना जाता है, तो वो भी नहीं पास हो सकता। इसकी एक वो लिमिट दी हुई है कि जो 6 माइक्रोन या माइक्रोमीटर से छोटा पार्टिकल है वो इसमें से गुजर सकता है, इवन जो इससे 6 माइक्रोन का होगा या 6 से बड़ा होगा वो इसमें ऑक्लूड फंस जाएगा, नहीं जा पाएगा आगे। तो हमारी जो वो हमारा जो नोज है वो ये फंक्शन करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द नोज। फिल्ट्रेशन फंक्शन हमारा नोज का क्या है कि ना हम लोगों के नोज कैसे फिल्ट्रेशन करता है, हमारे जो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो के नोज स्टिल्स तक होते हैं और जो के फिल्ट्रेशन करते हैं हमारे लार्जर बिल्कुल बड़े बड़े पार्टिकल्स की, तो स्मॉलर तो और ये जो मेनली करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है, मैं आपको बताता हूँ वो स्टोरी कैसे है और ये कैसे मतलब एक बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं। जैसे ये हमारा अगर ये हम लोग कहें ये हमारा नोज स्टिल है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे कॉनकेव प्रेजेंट होते हैं, कॉनकाए जो है वो यूं प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा एक ठीक हो गया जी। तो अब यहां पर जब हम लोग यहां से इनहेल करेंगे, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा जो एयर है पहले कुछ एयर जो हमारे एयर है वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर मुड़ेगी, फिर यहां पर मुड़ मुड़ के जाना पड़ेगा, तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मेनली वो मतलब हायर वेट के होते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं वो तो मज़े से यहाँ से मुड़ जाएंगे, मुड़ मुड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं तो वो मुड़ नहीं पाएंगे, वो जाके यहाँ पर ऑक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे, तो हमारे जो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और वो इंट्रैप हो जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे, और ऐसे हमारा जो नोज है वो फिल्ट्रेशन करता है कॉनकाए की वजह से। ठीक हो गया जी। यहाँ पर भी आप मैंने यही बताया हुआ है कि टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट प्रिसिपिटेशन होती है, प्रिसिपिटेशन ऐसे ही होती है कि मतलब टर्बुलेंस फ्लो है ना, ये कभी यार इधर जा रही है कभी इधर जा रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग टर्बुलेंट प्रिसिपिटेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर यही बताया हुआ है कि ऐसे करके वो हमारे पास इंट्रैप हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स। उसके बाद में बताया हुआ है कि साइज ऑफ पार्टिकल इंट्रैप इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, क्या क्या साइज है और वो कहाँ कहाँ जाके किस किस साइज के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ जाके इंट्रैप हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहले बताया हुआ है
कि हमारे जो लार्जर देन 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर हैं वो जो हैं वो हमारे नोज़ में ही फिल्टर हो जाएंगे, नोज़ में फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी 5 माइक्रोमीटर 1 से 5 माइक्रोमीटर जो हैं हमारे पार्टिकल्स, वो ब्रोंक्योल्स, हमारे स्मॉलर ब्रोंक्योल्स जो हैं उनमें जाके वो ग्रेविटेशन, मतलब हम लोगों को ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही होती है, ग्रेविटी प्रिसिपिटेशन होगी, वहाँ पर ग्रेविटी उनको महसूस होगी और वो जाके म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को ब्रोंकियुलर डिजीजेस भी होती हैं। तो हम लोग क्योंकि वो इसीलिए होती हैं कि हमारे जो वो पार्टिकल्स हैं वो जाके ग्रेविटेशनल प्रिसिपिटेशन करते हैं। अगर हम लोग किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो हम लोगों को ब्रोंकियुलर डिजीज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं उससे भी छोटे, अगर हम लोग 1 से भी छोटे पार्टिकल्स का कहें, तो 1 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल का कहें, वो क्या होंगे, वो हमारे एल्विओलाई में चले जाएंगे। वो हमारे एल्विओलाई में जाकर क्या करेंगे कि वहां पर एल्विओलर फ्लूड है वहां पर इंट्रैप हो जाएंगे। जब वो एल्विओलर फ्लूड में इंट्रैप हो जाएंगे तो वहां पर, और वो जो है वहां पर डिफ्यूजन करके वॉल ऑफ द एल्विओलाई एडहेयर टू एल्विओलर फ्लूड, एल्विओलर फ्लूड में हमारे एडहेयर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो 0.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे हो पार्टिकल्स, तो उनका क्या होगा, वो हम लोग कहते हैं कि वो जो मेनली हम लोग कुछ उनमें से पार्टिकल जो हैं वो हमारे 0.5 से बड़ों की तरह एल्विओलर फ्लूड में इंट्रैप हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो पार्टिकल हैं, ज्यादातर जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे कि जैसे हम लोगों ने एयर, क्योंकि वो अप्रॉक्स एयर के बराबर ही हो जाते हैं ना उनके पार्टिकल्स, क्योंकि एयर भी हल्की है वो भी हल्की है, तो जैसे एयर अंदर गई और बाहर आई उसके साथ ही ये एक्सपेल्ड बाय एक्सपायरेशन, नॉर्मली एक्सपायरेशन के जरिए बाहर आ जाते हैं। तो ये स्टोरी थी हमारे पार्टिकल के साइज के मुताबिक। तो ऊपर यहाँ पर मेनली एक और बात बताई हुई है, वो बात कौन सी है, वो बताई हुई है कि एग्जाम दी पार्टिकल जैसे कि सिगरेट के हैं, सिगरेट स्मोक के हैं, वो कितने अप्रोक्स कितने माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं, वो अप्रोक्स 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं, और जो कि हम लोग कहते हैं कि ये जो कि ज़्यादातर अंदर नहीं रहती और वो बाहर आ जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 0.5 से छोटे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो मेनली एक्सपायरेशन के साथ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो पार्टिकल इंट्रैप हो जाते हैं उनका क्या हाल होता है, उनका बाद उनका क्या हाल होता है, हमारे जो एल्विओलाई के अंदर एल्विओलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, एल्विओलर मैक्रोफेजेस फिर उनको वो मतलब इनगल्फ कर जाते हैं, या तो उनको इंट्रैप कर लेते हैं, या फिर हमारे पास जो वहाँ पर लिम्फेटिक्स होती हैं लंग में वो उनको अपने साथ कैरी आउट कर लेती हैं, उसमें फिर हमारे लिम्फ नोड्स के पास जाएंगे और वहाँ पर वो जाके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो मेनली टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन असल वो हमारा जो आवाज़ प्रोड्यूस होने का अमल है उसको हम लोग कहते हैं वोकलाइजेशन। अब वोकलाइजेशन में हमारे पास मेनली दो प्रोसेसेस आते हैं, एक फोनेशन और एक आर्टिकुलेशन। फोनेशन जो है वो हर एनिमल में, हर बंदे में होती है, कि मतलब आवाज़ का निकलना या बनना, अब आ ऊ ची चू ये सारी आवाज़ें हैं, लेकिन आर्टिकुलेशन है उस आवाज़ को किस अंदाज से बयान करना है। अब हम लोग, मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी आर्टिकुलेशन है कि मैं आर्टिकुलेट करके बोल रहा हूँ, आवाज़ को एक रुख या एक उसको मतलब एक वे दे रहा हूँ कि बोलना कैसे है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, जैसे कि बच्चे बोलते हैं वो फोनेशन करते हैं, लेकिन जो बड़े जब वो बोलना सीख जाते हैं तो तब हम लोग आर्टिकुलेशन मेनली सीख रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेनली जो है ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही कंसिस्ट नहीं करता, हमारे पास नर्वस सिस्टम पर भी कंसिस्ट करता है, जिसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी हमारा ब्रेन के जरिए वो हमारा चल रहा होता है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी हेल्प होता है इसमें। और तीसरा जो है आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे माउथ और नेजल कैविटीज आ जाते हैं, वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं हमारे वोकलाइजेशन में। तो मतलब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला प्रोसेस जो फोनेशन है, फोनेशन में हम लोग मेनली क्या होता है कि हमारा एक लैरिंग्स पार्ट है, लैरिंग्स हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो है हमारे वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली वोकल कार्ड्स कहते हैं। जो वोकल कार्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो हमारी जो है आवाज़ पैदा होती है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड को हम लोग मेनली जब हम लोग ग्लॉटिस को देखते हैं बाय लैरिंजियोस्कोप, तो हम लोग हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। अब जो वोकल कॉर्ड्स हैं हम लोग कहते हैं कि ना, अब देखें आप लोग कोई भी चीज़ है, आप लोग कोई भी बैलून है, अब जब आप लोग उसमें हवा भर रहे हैं तो कोई शोर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो प्रेशर के साथ बैलून से बाहर आती है, अगर आप लोग उसका पैसेज नैरो कर दें तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है। आप लोग गौर करिएगा, ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि उसमें से आवाज़ पैदा होती है। तो मेनली हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनका भी यही काम है, नॉर्मली जो होती हैं जो हमारा वो वाइडली ओपन होते हैं जब हम लोगों ने बात नहीं करनी होती, तो इसीलिए सांस जो है या हमारी एयर जो है वो
नॉर्मली इन और आउट हो रही होती है, लेकिन जब हम लोगों को साउंड प्रोड्यूस करनी होती है तो वो जो है वो नैरो हो जाती है, उनकी जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाती है, और उसमें से जब आवाज़ रेजिस्टेंस के ज़रिए होके गुजरती है तो वो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे मेनली आवाज़ पैदा हो रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फोनेशन। ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर मेनली एनाटॉमी बताई हुई है कि हमारे पास एनाटॉमी कैसे होती है, ये बताया हुआ है कि एयर बिटवीन देम कॉज वाइब्रेशन करती है, और जो पिच ऑफ दी साउंड है ना हमारी, हमारी पिच मतलब पतली आवाज़ या मोटी आवाज़, वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, वो हमारी स्ट्रेच ऑफ दी कॉर्ड, जो हम लोगों ने वोकल कॉर्ड्स पढ़ी उनकी स्ट्रेच पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेच हमारी वो होंगी, हमारे वोकल कॉर्ड्स होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो आवाज़ है वो हायर पिच की होगी। लड़कियों में जो है वो स्ट्रेच्ड होते हैं, और जो मेनली मेल्स में होते हैं वो इतने स्ट्रेच नहीं होते, इसीलिए उनकी पिच थोड़ी लो होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं के ना इनके जो हैं वो बना किन चीज़ों से हुआ है। इंटरमीडिएटली इन साइड दी ईच कॉर्ड इज स्ट्रॉन्गली इलास्टिक लिगामेंट कॉल्ड दी वोकल लिगामेंट, वोकल लिगामेंट लगा हुआ था। मेनली मैं आपको ना इसकी फिगर से समझाता हूँ। ये देखें, बाहर सबसे पहले आपके पास एक थायरॉयड कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएटली हमारे पास जो एंटीरियर साइड से ये जो अटैचमेंट ले रहा है, ये है वोकल लिगामेंट, या जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं मेनली। अभी देखें वोकल कॉर्ड जो ये यहाँ पर ओरिजिन ले रहा, मतलब अटैचमेंट ले रहा है थायरॉयड कार्टिलेज से, और पिछली साइड से ये जो ओरिजिन ले रहा है एक और कार्टिलेज है एरिटिनोइड कार्टिलेज, उससे हमारे पास ओरिजिन ले रहा है। दो हमारे पास मेनली वोकल कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, देखे नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। और ये जो है हमारे स्ट्रेच भी किस वजह से होता है, अब हम लोगों ने इसकी स्ट्रेचिंग या फिर उसकी वो रिलैक्सेशन करनी है, तो वो भी कैसे होंगी, हमारे थायरॉयड कार्टिलेज की वजह से, और पोस्टीरियरली बाय दी आरटी एरिटिनोइड कार्टिलेज की वजह से हमारी स्ट्रेचिंग या रिलैक्सेशन होगी। पोस्टीरियरली ये साइड है, एंटीरियरली ये साइड है। ठीक हो गया जी। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। मेनली यही चीज़ है, यही कहानी है जो यहाँ पर बताई हुई है कि हमारे पास जो वोकल लिगामेंट है, लिगामेंट एंटीरियरली लार्ज थायरॉयड कार्टिलेज से स्ट्रेच होते हैं, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोस्टीरियरली वोकल लिगामेंट्स इज अटैच टू दी वोकल प्रोसेसेस टू एरिटिनोइड कार्टिलेज, उन पर लगे हुए होते हैं, और जो हमारा पूरा ये एरिटिनोइड कार्टिलेज है वो आर्टिकुलेट हुआ हुआ होता है हमारे एक और कार्टिलेज के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया कहलाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा जो ट्रैकिया है मेनली क्रिकॉइड कार्टिलेज से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वही बताया हुआ है कि हमारे कार्टिलेज का काम क्या है, हम लोग इसके हमारे पास शेप से, इसकी स्लिप के हमारे थिकनिंग से हमारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेनली यही है फोनेशन का प्रोसेस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकुलेशन, जो हम लोग आर्टिकुलेशन करते हैं अपनी वॉइस की या रेजोनेंस करते हैं, वो किस वजह से होती है, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। हमारे जो नोज या हमारे पास जो नेजल कैविटी, और उसके बाद हमारे पास माउथ जो है उसकी वजह से होती है। द मेजर ऑर्गन आर्टिकुलेशन आर लिप्स टंग एंड सॉफ्ट पैलेट। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी टीथ भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर रहे होते हैं आर्टिकुलेशन में, जैसे कि हम लोग काफ़ी वर्ड हैं जो हम लोग अपने दांतों की वजह से बोल रहे होते हैं, लाइक बूढ़े जो लोग होते हैं, आप लोग गौर करें वो सही नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते मेनली सारे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री मेजर ऑर्गन जिस आर्टिकुलेशन में लिप्स टंग और सॉफ्ट पैलेट आता है। देखें ये हेल्प करती हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं तो लिप्स भी हिलते हैं हमारे, नहीं हिलेंगे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, टंग जब तक नहीं होगी तब भी नहीं बोल पाएंगे, और सॉफ्ट पैलेट हम लोग कहते हैं रूफ ऑफ दी हमारे ओरल कैविटी, जब तक सॉफ्ट पैलेट नहीं होगी वो तब तक भी हम लोग आर्टिकुलेशन नहीं कर पाएंगे अपनी आवाज की, आवाज बोल तो पाएंगे, मतलब हमारी आवाज तो आएगी लेकिन उसकी आर्टिकुलेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रेजोनेटर, रेजोनेटर में कौन कौन से चीजें इंक्लूड होती हैं, माउथ नोज एंड नेजल साइनसेस एज वेल एज फेरेंक्स और हमारे चेस्ट कैविटी, मतलब जो हमारे जो हेल्प करते हैं बोलने में कौन कौन से, माउथ नोज एसोसिएटेड नेजल साइनसेस, उसके बाद हम लोग कहते हैं फेरेंक्स एंड चेस्ट कैविटी, ये सब हमें हेल्प करते हैं रेजोनेटर्स हैं और हेल्प करते हैं हमें रेजोनेंस में। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये रेजोनेंस की मिसाल ऐसे लेते हैं, हमारी एक स्पेशल आवाज़ होती है ना, काफ़ी दफ़ा जब हम लोगों को जुकाम हुआ होता है तो हमारा नाक बंद हुआ होता है, हमारी आवाज़ सही नहीं आती, आप लोगों ने गौर किया होगा, बहुत पतली सी अजीब सी आवाज़ आती है, वो इसी वजह से कि हमारी रेजोनेंस खराब हुई हुई होती है। आर्टिकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं हम लोग, वो फोनेशन भी करते हैं, लेकिन हमारी रेजोनेशन तब सही नहीं होती, इसीलिए हमारी आवाज़ें सही नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है।
होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।